रियल अकाउंट शू अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट ओपन करते हो वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक पे अकाउंट ओपन करते हो तो केवाईसी का 2% मिल जाएगा आपको, एक है फुल केवाईसी और एक है मिनिमम केवाईसी। तो फुल केवाईसी की अगर बात करें तो फुल केवाईसी की का भी 2 ऑप्शन मिल जाएगा हाल ही का जो सिचुएशन अभी, उसके अंदर एक है वीडियो केवाईसी और एक है ब्रांच विजिट केवाईसी। और अगर मिनिमम केवाईसी की बात करें तो मिनिमम केवाईसी का एक ही प्रोसेस है जो है आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी या फिर एक्सटीएमएल बेस्ड भी केवाईसी कुछ कुछ बैंक्स पे लागू हुआ है। लेकिन अगर मैं फुल केवाईसी की बात करूँ तो फुल केवाईसी के अंदर जो 2 ऑप्शन मिल जाएगा, तो दो ऑप्शन में से सबसे पहले जो ऑप्शन मिल जाएगा उस सबसे पहले का जो ऑप्शन है वीडियो केवाईसी और एक है ब्रांच विजिट केवाईसी। तो इस दोनों में से आप किसी भी केवाईसी को कर सकते हो घर बैठे, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रांच विजिट केवाईसी की बात करें तो ब्रांच विजिट केवाईसी करने के लिए आपको उस ब्रांच पर विजिट करना होगा जिस ब्रांच पर आपने अकाउंट ओपन किया था। और अगर वीडियो कॉल की केवाईसी की बात करें, मतलब वीडियो केवाईसी जो वी केवाईसी भी बोला जाता है, तो वी केवाईसी की अगर बात करें तो वी केवाईसी करने के लिए आपको एक वीडियो कॉल करना होगा उस बैंक पे जिस बैंक पे आपने अकाउंट ओपन किया था। तो बैंक को ओपन करने के बाद जो ब्रांच आपने सेलेक्ट किया था उस ब्रांच के अंदर आपको फुल केवाईसी करना होगा, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से करना होगा। तो उस पर कोई भी ब्रांच विजिट ऐसा उसका झंझट नहीं है, मतलब आप किसी भी ब्रांच सेलेक्ट करके फुल केवाईसी कर सकते हो क्योंकि उस पर कोई भी ब्रांच विजिट नहीं रहते हैं। तो उसके अंदर आपका एक फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि अगर आप मुंबई या फिर दिल्ली का किसी भी ब्रांच सेलेक्ट करते हो तो उस ब्रांच पर विजिट करने का आपका कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उस ब्रांच पर विजिट कर अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी फुल केवाईसी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है आपके लिए वीडियो केवाईसी के अंदर। लेकिन अगर मैं ब्रांच विजिट की बात करूँ तो ब्रांच विजिट केवाईसी करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा उस ब्रांच, क्योंकि ब्रांच विजिट के जो केवाईसी है उस पर पोसे जाता है कि आप उस ब्रांच पर विजिट करिए। विजिट करने के बाद जो मेन आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो पासपोर्ट साइज पिक्चर या फिर फोटो बोल सकते हो, और आपका सिग्नेचर लिया जाएगा, मतलब एक फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए ब्रांच विजिट करना पड़ता है। तो अगर आपका बड़े में बताऊँ तो आपके लिए एडवांटेज है वीडियो केवाईसी। लेकिन अगर आप बैंक विजिट कर सकते हो उस बैंक पे जो जिस ब्रांच पे आपने अकाउंट ओपन किया था, तो उस ब्रांच पे अगर आप विजिट कर सकते हो तो आपके लिए एक एडवांटेज हो सकते हैं ब्रांच विजिट केवाईसी। लेकिन अगर मेरा बात करें तो ब्रांच विजिट केवाईसी अच्छा रहता है वीडियो केवाईसी के अलावा, मतलब अगर आप वीडियो केवाईसी माध्यम से फुल केवाईसी कर सकते हो तो कर लीजिए, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो केवाईसी माध्यम से फुल केवाईसी करते हो तो उस केवाईसी को अपडेट होने में 1 हफ्ता तक लग सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रांच विजिट करके आप ओपन करते हो तो ब्रांच विजिट करने के बाद आपका जो केवाईसी रहेगा 1 या फिर 2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से करते हो केवाईसी, लेकिन वो अगर अपडेट होता है तो वो अपडेट होते होते 1 हफ्ते तक लग जाएगा। इसलिए अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपके पास पेशेंट है कि आप वेट कर सकते हो तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मेरे केस पे सेम हुआ, तो मैं वीडियो कॉल के माध्यम से फुल केवाईसी किया था, इसलिए मेरा टाइम पे 1 हफ्ते से ज़्यादा लग गया, ऑलरेडी 10-12 दिन लग गया और अभी तक वेलकम किट मुझे नहीं मिला। तो जब भी वेलकम किट मिलेगा उसका भी अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर, और अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हर वक्त खुला है। सो यही था आज का वीडियो में अपडेट, आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग अच्छा था प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।